Welcome to you in the R.S. Varia Primary School English Medium YouTube channel. In this session, we are going to continue our chapter number 15, that is making quotes or fun with click. So let's start. I hope students you like the story very much. Yes or no? It was very interesting. Yes. Okay. So let's see question answer number one. Why did the crow need a coat? Crow ko coat ki zarurat kyun padi? Answer: the crow needed a coat to fetch water from river because he wanted to wash his feet. To crow ko apni neend thodi thi, isliye usko pani river mein se bharne ke liye coat ki zarurat padi. चीजें बन
बनाना है यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल प्रिंट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इज लुक्स लाइक अ बाउल तो वो बोल को थंब से उसके बीच में थंब से आपको शेप करना है और उसके एजेस को अच्छे से बनाना है ताकि वो एक बाउल का शेप ले लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट और आपको क्या करना है उसके बाद उसको धूप में सुखा देना है ताकि वो जो कच्ची मिट्टी है जो लूज मिट्टी है वो अच्छे से पक जाए कड़क हो जाए और बाद में आप उसको डेकोरेट कर सकते हो यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल तो आपको क्या करना है कुछ चीज़ें उसमें आप रख सकते हो जैसे कि आपकी पेन है इरेजर है पेंसिल्स है ऐसी स्टेशनरी की आइटम्स आप उस बाउल में रख सकते हो राइट स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है इस तरह से मिट्टी का बोल लेना है यहाँ पे मैं आटे से आपको एक्टिविटी दिखा रही हूँ लेकिन जो पोर्ट्स होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं तो इस तरह से आपको गोल मिट्टी का बोल ले लेना है और फिर आपको अपने थंब से उसमें छेद बनाना है और उसको शेप देते जाना है इस तरह से राइट उस छेद को बड़ा बनाते जाना है उसके जो एजिस है उसको अच्छे से शेप देना है राइट तो इस तरह से उसकी जो अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती जाएगी उसके एजेस को आपको स्मूथ और पतला बनाना है ताकि वो एक बाउल का शेप ले ले राइट तो इस तरह से एक बाउल बन जाएगा राइट आपको घर पे भी प्रैक्टिकली करना है सेकेंड एक्टिविटी 101 पेज नंबर पे दी गई है अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले क्या करना है आपको क्ले के रोल्स बनाने हैं और उसमें से बाउल बनाना है नीड सम क्ले विथ वाटर कीप असाइड सम क्ले मिक्स्ड विथ वाटर क्या करना है आपको क्ले लेना है और पानी लेना है अगली एक्टिविटी की तरह ही मिट्टी को घुटना है और फिर दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसीज ऑफ नीडेड क्ले तो क्या करना है दो आपको जो भी आप दो रोल्स बनाएंगे क्ले के उसको चिपकाने के लिए दूसरे से क्या करना है आपको थोड़ी मिट्टी लेनी है उसमें पानी यानी कि एक करके स्लरी बनानी है जो गम का काम करेगी टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाटी तो आपको क्या करना है मम्मी जब चपाटी बनाती है तो कैसे एक फ्लैट सरफेस बनाती है उस तरह से एक फ्लैट सरफेस छोटा सा बना लेना है दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल और उसका बाउल का बेस बन जाएगा ये फ्लैट गोल सरफेस आपको पिक्चर में दिया ही गया है मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगी रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नैक फिक्स द क्ले स्नैक ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर और फिर आपको क्या करना है क्ले के रोल्स बनाने हैं लंबी स्नैक की जैसे स्ट्रिप टाइप बनानी है लेकिन उसको आपको ऐसे हाथ को ऐसे रोल करके उसको स्ट्रिप्स बनानी है लंबी लकड़ियाँ जैसे बनानी है स्नैक जैसा और फिर उसको एक के ऊपर एक आपको अरेंज करनी है ताकि वो बाउल का शेप ले ले राइट चलिए तो ये भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड एक्टिविटी के लिए आपको ऐसा आटे का पेड़ा लेना है यानी कि मिट्टी का एक फ्लैट सरफेस लेना है
ओके, जैसे मम्मी घर में रोटी के लिए जो पेड़ा लेती है, पेड़ा बनाती है आटे का, उसी तरह से आपको लेकिन फ्लैट सरफेस लेना है, राउंड शेप में लेना है, राइट। और उसके बाद आपको इस तरह से स्नैक्स बनाने हैं, राइट। आपको हाथ को इस तरह से रोल करना है आटे को भी, या आप अगर मिट्टी ले सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आपको क्या करना है, रोल करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ऐसे 5 रोल्स बना लेने हैं और एक फ्लैट राउंड आपको शेप लेना है। और अब क्या करेंगे हम, एक के बाद एक लेयर को राउंड शेप में रखते जाएंगे। और मिट्टी से बनाते वक्त क्या करना है आपको, मिट्टी और पानी की जो स्लरी है वो इसके ऊपर लगाती जानी है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, राइट। अभी मैं सेकेंड लेयर रखूंगी। राइट, उसके बाद थर्ड लेयर, सबसे बड़ा वाला ऊपर वाला लेयर है वो बड़ा आएगा। आटा अपने आप चिपक जाता है, लेकिन मिट्टी से बनाने के लिए उसे मिट्टी और पानी की स्लरी से चिपकाना पड़ेगा। एक्टिविटी के लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए आटे का यूज़ कर रही हूँ। देन फोर्थ लेयर, इस तरह से आपको फोर्थ वाला लेयर भी लगाना है। यहाँ से चिपकाने के लिए आप मिट्टी और पानी का एज अ गम यूज़ करेंगे। लास्ट वन जो सबसे फिफ्थ वाला लेयर है वो सबसे बड़ा आएगा, राइट। तो इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से 5 लेयर्स के साथ एक बाउ रेडी हो जाएगा, राइट। घर पे भी आपको इसी तरह से बनाना है, राइट। थर्ड एक्टिविटी, अ बोल फ्रॉम चपाती ऑफ क्ले। आपको क्या करना है, क्ले की चपाती बनानी है और उसमें से बोल बनाना है, पॉट बनाना है। इस बार हम पॉट बनाएंगे। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। थर्ड एक्टिविटी के लिए हम एक बेज ले लेंगे राउंड शेप में और एक इस तरह से रोटी बेल लेंगे। उसको हम इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे। और एक्स्ट्रा एरियाज को निकाल लेंगे। राइट, अभी ये हम लेयर बनाएंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा एरियाज को कट करने के बाद इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। उसका मैंने ऐसे सिलेंडर जैसा एक शेप दे दिया है उसको। और फिर उसको हम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर, बेस के ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा एक पॉट रेडी, राइट। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जब हम चिपकाएंगे तो ऐसा पॉट रेडी हो जाएगा।
राइट, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। मिट्टी में से जो पॉटर्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी में से बना के फिर उसको धूप में या भट्टी में उसको बैक करते हैं ताकि वो एकदम कड़क हो जाए, पक्का हो जाए और हमें कुछ भी चीज़ें उसमें रखने के लिए आसानी हो। राइट, शेप दिया जाता है, फिर उसको भट्टी में बैक किया जाता है